राजा से कीमत मांग रहे थे 25 लाख रुपए। वो कह रहे थे कि हमने आपके बदले लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में गोला बारूद तोपखाने हमारे बहुत सैनिक मर गए, खर्चा हो गया 25 लाख का, तो आप हमें 25 लाख दे दो और फिर आप अपना राज्य रखो और हम जा रहे हैं। तो हमारे राजा के पास 25 लाख था नहीं, तो जब राजा के पास 25 लाख नहीं था तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आधा राज्य हमें दे दो आधा आप रख लो। तो गढ़वाल के राजा का जो राज्य होता था, ये कहानी तो सबको पता होगी ना, इतना बड़ा राज्य था गढ़वाल के राजा के पास। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आधा राज्य ले लिया और बड़ा टुकड़ा अपने पास ले लिया। ये ऊपर वाला टुकड़ा दे दिया राजा को कि आप यहां राज करो। तो ये जो टुकड़ा है ऊपर का, इसको नाम दिया जाता था टिहरी रियासत। पॉइंट नंबर एक ये याद रखना, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में एक ही प्रिंसली स्टेट था, एक ही रियासत थी, और वो कौन सी थी, ये रियासत थी। स्वतंत्रता के बाद जैसे कश्मीर अपने आप को आजाद रखा, वैसे ही टिहरी ने भी अपने आप को भारत में नहीं आने दिया, उधर आजाद रखा। तो यहां पर ये राजा लोग अपने राज कर रहे थे, बढ़िया से चल रहे थे। तो क्या इतिहास रहता है इसका, सबसे पहले राजा सुदर्शन शाह को जब आधा आधा हो गया था राज्य और उसको अपना एक राज्य या राजधानी स्थापित करनी थी, तो कहते हैं वो श्रीनगर से आते आते इस जगह पर पहुंचा और पर्टिकुलर टिहरी नाम की जगह पर पहुंचा, यहां उसने अपने राज्य की एक राजधानी स्थापित कर दी और वहीं से शुरुआत होती है टिहरी रियासत की। ये तिथि इतिहास में 28 दिसंबर 1815 थी, जानते होंगे सब लोग। इस दिन माना जाता है 28 दिसंबर 1815 को कि टिहरी राज्य की स्थापना हुई। मेरा शब्द फिर से सुनना, किसकी स्थापना हुई, टिहरी राज्य की। हाँ, टिहरी जिला नहीं, टिहरी एक राज्य था। और अगर ये राज्य है, पूरे ब्रिटिश काल में पौड़ी जिला था, अल्मोड़ा जिला था, नैनीताल जिला था, कुमाऊं कमिश्नरी थी, राज्य एक ही था टिहरी, उसको राज्य का दर्जा 1815 में मिल गया। तो वहां पर जो प्रावधान होंगे ना, वो एक राज्य की तरह होंगे। कल के दिन मान लो यहाँ पर इलेक्शन हो गए टिहरी में, तो इलेक्शन होने के बाद यहाँ का जो मुखिया होगा उसे आप क्या कहोगे, राज्य के मुखिया को क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आदमी चुनाव जीतेगा उसको कहेंगे मुख्यमंत्री। और ब्रिटिश काल में चुने जाने वाले मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर होगा टिहरी का, और जगह का डीएम होगा, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये इतिहास क्या था उसको समझना। सबसे पहले 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी राज्य की स्थापना करी गई। किसने स्थापना करी थी, सुदर्शन शाह ने इसकी स्थापना करी थी। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण था हमारे लिए, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन टिहरी राज्य की स्थापना हुई थी। इसलिए 28 दिसंबर को 1815 के बाद 16 से लगातार हम इस दिन को मनाते हैं, किस दिवस के रूप में, टिहरी राज्य स्थापना दिवस। सरल भाषा में कोई बोल भी रहा था, रेस्टोरेशन डे इसको बोलते हैं। रेस्टोरेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्टोरेशन डे का मतलब है प्रिंसली स्टेट का स्टेबलाइज डे, एक रियासत का स्थापना दिवस 28 दिसंबर आज भी मनाया जाता है। अगर प्रश्न ये आता है टिहरी राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे, 28 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन टिहरी राज्य की स्थापना हुई थी। तो पहला पॉइंट लिख लो, 28 दिसंबर 1815 स्थापना हुई, और स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, फिर आप कहेंगे सुदर्शन शाह, टिहरी राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति या शासक सुदर्शन था, राजा बना। इसका इतिहास अलग है, इतिहास तो चलता रहेगा, क्या किया इसने क्या नहीं किया। ये आया राजगद्दी पर बैठा, धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ 1815 में, और 1859 तक ठीक ठाक ढंग से इसने राज कर दिया। 1859 में ये मर गया, मरने के बाद इसका बेटा राजा बन गया, शेरशाह भी बना था, वो इतिहास में पढ़ लेंगे, या सरल सरल बात करते, भवानी शाह। अब 1859 में भवानी शाह आ गया, 71 तक ये भाई यहाँ राज कर रहा है बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं इसको आई। फिर ये भी मर गया, इसके मरने के बाद इसका बेटा आया, ऐसा ही चलता है राजतंत्र में, प्रताप शाह। ये 1871 में आया, राजा बना, 86 में मर गया, है ना, 1886 में इसकी मृत्यु हो गई। लेट में कौन मरा सबसे ज्यादा, सुदर्शन शाह। नहीं, कब आ गया था, 1815, 60 तक भाई मरा इन्हीं जल्दी से ना, सबसे लंबे समय तक यही राज करता है टिहरी पे, इस जल्दी निपट रहे ना, 60, 10, 70, 11 साल में चित, इसका भी ऐसा 71, 14, 15 साल में ये भी चित, है ना। प्रताप शाह राजा भी जल्दी बन गया था और मर भी जल्दी गया। और इस क्षेत्र पर, ये जो इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रहते थे अंग्रेज। टिहरी राज्य चाहे उन्होंने राजा को दे दिया, लेकिन टिहरी राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करते रहते थे, इंटरफेयर करते रहते थे, ऐसे राज चलाओ, ये करो, वो करो, वो करते रहते थे बार बार, है ना। अब एक नियम बना दिया पूरे भारत के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से छोटा है तो राजा नहीं बन सकता है। राजा बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब 18 साल का पूरा हो जाएगा। 86 में जब प्रताप शाह मर गया, तो प्रताप शाह की मृत्यु के समय उसका बेटा कीर्ति शाह 18 साल का था नहीं, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, अब जो राजा बनेगा वो 18 साल का नहीं है। तब उसको बोला, भैया आप तो बन नहीं सकते, जब तक आप नहीं बनते हो
तब तक इस राज्य को कोई और चलाएगा। जैसे बाहुबली पिक्चर में जब तक बाहुबली बड़ा नहीं हुआ शिवगामी देवी ने शासन चलाया ना, तब तक शिवगामी शासन चलाएगी। एक समिति बना दी गई और उस समिति को बोलते संरक्षण समिति, संरक्षण समिति। टिहरी रियासत में यह संरक्षण समिति किसकी है बताओ तो, किसकी संरक्षण समिति बन रही है? आने वाले राजा की, कीर्ति शाह की संरक्षण समिति 1886 से और 1892 ईस्वी तक ये टिहरी रियासत में संरक्षण समिति काम कर रही है। ये लो, पहला राजा सुदर्शन शाह, फिर वो मरा भवानी शाह, फिर कौन आया? प्रताप शाह। अच्छा बड़ी बात, प्रताप शाह के समय एक हो गई थी। प्रताप शाह ने क्या किया? प्रताप शाह ने ये जो राजधानी थी ना टिहरी, इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया और टिहरी से इसने अपनी राजधानी कहां लेकर के चले गया? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो अच्छे से, इतिहास है ये पढ़ना है बाद में, यहां कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, ना समझ आए मुझे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। प्रताप शाह ने अपने शासन काल में एक महत्वपूर्ण काम किया और वो काम क्या किया कि 1877 में, 1877 में ये टिहरी की राजधानी कहां ले गया? प्रताप नगर ले गया। लेकिन ये प्रताप नगर हमेशा की राजधानी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गर्मियों की राजधानी थी। यानी कैसी थी? टिहरी की राजधानी अभी भी टिहरी ही थी, प्रताप शाह के समय पर भी टिहरी की राजधानी टिहरी ही थी, बस गर्मियों का राजकाज कहां से चलाते थे? 1877 प्रताप शाह के शासनकाल में प्रताप शाह ने अपने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बना दिया था? प्रतापनगर। तब दो राजधानियां थी, टिहरी भी और प्रतापनगर भी। तो राजा गर्मियों में आ जाता था प्रतापनगर, ठंडा इलाका था, और बाकी समय राजा रहता था टिहरी में। 86 में राजा मर गया, अब कौन आ गया? संरक्षण समिति। अब संरक्षण समिति 86 से 92 तक जब काम कर रही थी तो आप जानते होंगे कि संरक्षण समिति की अध्यक्ष गुलेरिया नाम की रानी को बनाया गया, जो प्रताप शाह की पत्नी थी। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या भी बोलते हैं? गुलेरिया रानी का शासनकाल या संरक्षण काल। तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, और प्रताप शाह के बाद गुलेरिया रानी का संरक्षण काल प्रारंभ होता है। कब से कब तक? डेट का थोड़ा महत्व है, डेट पे थोड़ा फोकस करना। 1886 से 1892। 1892 में कीर्ति शाह 18 साल का हो गया। तब कीर्ति शाह 18 साल का हो गया तो बनाओ राजा। अब बना राजा कीर्ति शाह। 1892 में कीर्ति शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया और 1892 से लेकर के 1913 तक टिहरी रियासत पर शासन करने वाला शासक कौन था? कीर्ति शाह। ये राजाओं के नाम, ये राज कर रहे थे अलग अलग टाइम पे। कीर्ति शाह के साथ भी वही इशू हुआ जो उसके पापा के साथ हुआ था। 1913 में जब कीर्ति शाह की मृत्यु हुई उस समय नरेंद्र शाह 18 साल का नहीं था, इसका बेटा। तो अगर 18 साल का नहीं है तो राजा नहीं बन सकते, तो फिर क्या बनाओगे आप? तो ये वाली संरक्षण समिति किसकी है? कीर्ति शाह की संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन था? गुलेरिया। फिर और शिवधर डंगवाल और कई लोग उसके अंदर ऐड होंगे, उनकी बात नहीं कर रहे। तो कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद फिर बना दी संरक्षण, ये नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति बन रही है, महत्वपूर्ण संरक्षण समिति है। इसे नाम देते हैं रीजेंसी काउंसिल, इसे कहा जाता है टिहरी में रीजेंसी काउंसिल का टाइम पीरियड। रीजेंसी काउंसिल संरक्षण समिति, नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति को नाम दिया जाता है रीजेंसी काउंसिल। जब तक बड़ा ना हो जाए नरेंद्र शाह तब तक किसका शासन चलेगा? रीजेंसी काउंसिल का शासनकाल चलता रहेगा। यह संरक्षण समिति 1913 से चली और कब तक? तब आप कहोगे 1919 तक। हाँ, जब तक नरेंद्र शाह बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक ये वाली रीजेंसी काउंसिल चलेगी। कीर्ति शाह की संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? गुलेरिया रानी। अब आई संरक्षण समिति, नरेंद्र शाह वाली संरक्षण समिति। तो जब नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति बनी तब उस समय 1913 लगा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, तो अंग्रेज भी बहुत चालू थे। अंग्रेजों ने कहा इस समय कुछ भी हो जाए टिहरी के किसी आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाना है, अंग्रेज आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे ताकि अंग्रेज का ही शासन चले कुछ समय तक टिहरी पर, है ना। तो ये रीजेंसी काउंसिल या जो संरक्षण समिति है इसका अध्यक्ष कौन था? तब आप कहेंगे सेमियर था। नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति का अध्यक्ष कीर्ति शाह की संरक्षण समिति का अध्यक्ष गुलेरिया, नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? सेमियर। सेमियर 1913 में आया और टिहरी रियासत का एक प्रकार का राजा बन गया, राजा ही हुआ ना, राजा है नहीं अभी, ये संरक्षण समिति का अध्यक्ष यही है, डिसीजन सारे यही लेगा। पर दिक्कत की बात है ये 17 में मर गया, 1917 में सेमियर चित। अब मर गया तो कैसे बताया उसने भाई रुक जा अभी तेरा कार्यकाल मर गया खत्म, है ना। 1917 में ये मर गया, तो ये मर गया तो फिर दूसरा ले आए कौन? म्योर 17 से 19। यानी कि नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति के दो अध्यक्ष थे,
नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति के प्रथम अध्यक्ष सेमियर और नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति के दूसरे अध्यक्ष म्योर को बनाया गया 1719 तक। म्योर जो है संरक्षण समिति के अध्यक्ष बना दिए, ठीक, 1317 तक, ये 4 साल, और 1719 क्योंकि ये काउंसिल का टाइम पीरियड कब खत्म होगा 1919 में। क्लियर, यहां तक ये राजकाज अपना चला रहे थे। फिर 1919 में नरेंद्र शाह बड़ा हो गया तो टीरी का राजा बन गया नरेंद्र शाह। 1919 से लेकर के 1946 तक धूमधाम से बना राजा नरेंद्र शाह, टीरी का सबसे बेहतरीन राजाओं में से एक राजा नरेंद्र शाह। राजा तो राजा होते हैं ना, जिस समय गांधी नमक बनाओ ये बनाओ, वो अपना बढ़िया ढंग से भाई बैठ मुकुट पहन के बढ़िया ढंग से ना, नरेंद्र शाह इसको बना दिया राजा 1919 से 1946। अब देखो ये वाला दौर बेहतरीन चल रहा था, सब बढ़िया ढंग से। टीरी के जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, इनको भगवान बद्रीनाथ का बोलता हुआ स्वरूप मानते हैं ना, पता है तुम्हें ये कहानी? ऐसा मानते हैं कि जो टिहरी के राजा है ना, वो बद्रीनाथ का स्वरूप है। जो भी राजा बनेगा तब उसको नाम देते बोलांदा बद्रीश, है ना, बोलांदा बद्रीश, ऐसा माना गया। इन्होंने इतने चमत्कार भी किए अपने टाइम पीरियड में, ऐसा कथा बहुत सारी मिल जाती है, चमत्कारी राजा थे। तो लोग कहते थे ये बद्रीनाथ भगवान ही है बस ये, तो अगर तुम्हें बद्रीनाथ भगवान मिल जाए कहीं आज तो कैसा रहेगा हिसाब किताब उसके लिए। वही हिसाब किताब था, अगर मान लो मैं कह दूं तुम्हें कि ये भगवान बद्रीनाथ का बोलता स्वरूप है, वो दिखा भी दे एक दो चमत्कार, तो फिर जैसा तुम उसके प्रति भाव दिखाओगे वैसा ही भाव टीरी में इन राजाओं के प्रति था। कभी भी टीरी की जनता नहीं चाहती थी ये राजा इधर से जाए, बद्रीनाथ है भाई अपना, बद्रीनाथ अपना राजा है, मतलब ना कुछ भी, इन्होंने किसी को कोई श्राप दे दिया तो क्या, किसी को कल्याण दे दिया तो ऐसा कुछ चल रहा था, बढ़िया था, ठीक ठाक शासन। लेकिन नरेंद्र शाह के शासन काल में एक घटना हुई तिलाड़ी में, सब जानते हैं, गोलियां चलाई गई तिलाड़ी में, बहुत सारे लोग मरे, और वहां से तख्ता पलट स्टार्ट हुआ। जनता थोड़ा थोड़ा अब राजशाही नहीं चाह रही थी। फिर श्रीदेव सुमन आया, और श्रीदेव सुमन के आने के बाद तो कहानी ये बन गई कि जैसे ही सुमन की एंट्री हुई, थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का था, इसने कहा राजा जी कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए बस, और उसका नाम है उत्तरदायी शासन। हमें एक रिस्पॉन्सिबल रूल चाहिए, उत्तरदायी शासन चाहिए। अब ये अलग ही चीज आ गई उत्तरदायी शासन। क्या वर्तमान में भारत में उत्तरदायी शासन है? तुम कहेंगे हाँ हमारे पास उत्तरदायी शासन है। देश में कुछ भी होगा किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। कोरोना हुआ किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। बस गिरी नीचे किसकी जिम्मेदारी? मोदी चला रहा था गाड़ी, नहीं ना, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा, गाड़ी गिर गई, कुछ लोगों की मृत्यु, हम किसको बोलेंगे? सरकार को। इस देश में कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार। टीरी में ऐसा नहीं था, टीरी में कुछ भी हो राजा की कोई जिम्मेदारी नहीं। और श्रीदेव सुमन की मांग ये थी, हमें रिस्पॉन्सिबल शासन दे दो, हमें उत्तरदायी शासन दे दो, इस राज्य में जो कुछ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो वो एक लंबी जोड़ी लड़ाई चलती रही, तो कई भी लोगों को सही भी लग रहा था श्रीदेव सुमन की बात, तो वो सुमन के साथ जाते रहे। मतलब बोलने का पॉइंट ये है कि नरेंद्र शाह के शासन काल से लोग थोड़ा सा राजतंत्र के खिलाफ हो गए, नहीं तो टीरी के राजा तो बड़े बेहतरीन होते थे, ठीक। फिर 1946 तक नरेंद्र शाह, और इसके बाद पहले राजा निपटा देते हैं, लास्ट राजा कौन बना? मानवेंद्र शाह बन गया 1946 से 48। हमारे एक ही प्रिंसली स्टेट है जिसका हमको, ओ सॉरी 1949 ना, 46 से 49, एक ही रियासत जिसका इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है, ब्रिटिश काल की रियासत। तो लास्ट राजा कौन सा था? तब कहेंगे मानवेंद्र शाह। दिक्कत कहां से आनी स्टार्ट होती है वो थोड़ा सा समझ लो। नरेंद्र शाह के शासन काल में श्रीदेव सुमन, और श्रीदेव सुमन ने डिमांड करी कि भैया हमें चाहिए उत्तरदायी शासन। बोले भाई जी क्या होता है उत्तरदायी शासन? तो उसने कहा एक ऐसा शासन जिसमें कुछ भी हो जिम्मेदारी आपकी, हम नहीं जानते कुछ भी। राजा ने मना किया, बोले पागल है क्या, उत्तरदायी शासन मेरी क्या जिम्मेदारी ना, गाड़ी तुम गिराओ और जिम्मेदारी मेरी क्यों? अगर उत्तरदायी शासन मिल जाए तो गाड़ी कोई भी गिराए पैसा राजा देगा उसके परिवार वालों को, जैसे भारत में होता है किधर भी कोई दुर्घटना हो जाए तो 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है। और दारू पी के ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, गलती ड्राइवर की, वो गिरी गाड़ी, पैसा कौन देगा? सरकार। क्यों? क्योंकि कैसा शासन है। तो ये ऐसे ही कह रहा था हमें उत्तरदायी शासन, कुछ भी हो जाए मुआवजा आप दोगे। और मानेगा क्या कोई आदमी इसको? कल को तुम मुझे बोल दो गुरुजी कोचिंग में दे दो उत्तरदायी शासन, तो मैं थोड़ी दूंगा ना। तुम बोला गुरुजी आज नाश्ता नहीं किया, ला 20 रुपया, तो भाई यानी उत्तरदायी शासन, मैं नहीं दूंगा ना भाई उत्तरदायी शासन। तो एक इंडिविजुअल आदमी क्यों उत्तरदायी शासन दे? भारतीय तो संविधान ही हमें कह रहा है कि उत्तरदायी शासन दे दो। तो जब श्रीदेव सुमन की ये बात नहीं मानी गई तो श्रीदेव सुमन ने कहा देखो भैया उत्तरदायी शासन तो जरूरी है। अब श्रीदेव सुमन की बात अगर राजा मान लेता तो ठीक था, जब नहीं मानी तो श्रीदेव सुमन ने क्या कर दिया, एक संगठन बनवा दिया, एक ऐसा संगठन जो प्रजा के हित के लिए लड़ाई करेगा।
उसको नाम दिया गया प्रजामंडल, टिहरी का था तो इसको क्या बोलते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल, सब जानते हैं इसके बारे में। ये 1939 में बन गया। ये किसके लिए लड़ रहा था, ये प्रजा के हितों के लिए लड़ रहा था, प्रजा को जो जो चीजें चाहिए, जनता को, राजा की प्रजा को जो जो चीजें चाहिए उसके लिए यहां पर क्या बन गया, प्रजामंडल। उधर नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह कह रहे तो प्रजामंडल बना, कुछ बना, ये वैलिड ही नहीं, हमारे यहाँ आके देखो गिरफ्तार कर, क्योंकि टिहरी राज्य था, जिला नहीं था, टिहरी एक राज्य था। तो जैसे ही देहरादून में प्रजामंडल बना, राजा ने कहा कोई भी आदमी प्रजामंडल का अंदर आएगा गिरफ्तार कर देंगे, एक सेकंड में आके देखो तुम कदम रखो, जिसने कदम रखा जेल गया, क्योंकि उस राज्य का विधान था, उस राज्य का नियम था, इस राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति आया प्रजामंडल का तो उसको हम गिरफ्तार कर देंगे, क्योंकि राजा ने प्रजामंडल को मान्यता ही नहीं दी, मान्यता ही नहीं दी, तब भी ऐसा ही था नियम जैसे आज है। जैसे आज अगर आपको शराब की दुकान खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से ना, शराब की दुकान अगर उत्तराखंड में खोलनी है तो उत्तराखंड सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यूपी वाला चल जाएगा, आपका यूपी में दारू का ठेका है और तुमने यहाँ भी बेचने लगे शराब, गिरफ्तार हो जाओगे ना एक सेकंड में। ऐसा ही प्रजामंडल था, ये टिहरी में वैलिडिटी नहीं है, या तो रजिस्ट्रेशन करवाओ इसका, टिहरी में जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ इसको, वैलिडिटी वैलिड बनाओ और फिर ये काम करेगा। राजा वैलिडिटी दे नहीं रहा था, इसको मान्यता दे नहीं रहा था, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे, ये देहरादून में ही लड़ते रहेंगे। और एक तरफ नरेंद्र शाह का राजतंत्र था, टिहरी रियासत की लड़ाई का मतलब राजतंत्र और प्रजामंडल के बीच की लड़ाई, एक तरफ राजतंत्र, राजा कह रहा है सब ठीक है, और एक तरफ प्रजामंडल जो कह रहा है प्रजा के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता, हमें जरूरत है। तो लड़ाई चलती रही, यहां से प्रजामंडल लड़ते रहा, वहां से राजतंत्र लड़ते रहा, धीरे धीरे एक पॉइंट पर आने के बाद 1946 आते आते एक महत्वपूर्ण घटना टिहरी में होती है, यहां हम इतिहास बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। 1946 में एक आदमी पौड़ी गढ़वाल का, उसका नाम था पितृ शरण रतुड़ी, नाम सुना है सबने, वो आजाद हिंद फौज में जो है ना सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में कर्नल होता था पितृ शरण रतुड़ी। अब वो पितृ शरण रतुड़ी घर आ गया था क्योंकि आजाद हिंद फौज 45 के बाद खत्म हो गई। तो 1946 में उस भाई ने, और ये इसका तो डेथ हो गया था ना सिरदेव सुमन का, 25 जुलाई 1944 ये मर गया था सिरदेव सुमन, जितना लड़ना था लड़ा, कर कुछ नहीं हुआ। और इसकी मृत्यु के बाद 1946 में ये जो पितृ शरण रतुड़ी था, ये पितृ शरण रतुड़ी ने क्या किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की सेना में कर्नल था, तो 46 में जैसे ये घर आ रहा था ना जनवरी के महीने, 23 जनवरी आई और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, तो इसने कहा हम नेताजी का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे भाई, पूरे उत्तराखंड में मनाएंगे, अनाउंस कर दिया इसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाए 23 तारीख को, और धूमधाम से लड्डू खिलाएंगे उस दिन ना जयंती। पौड़ी में जयंती मनाई गई, चमोली में जयंती, रुद्रप्रयाग, सब जगह। टिहरी के राजा ने कहा हमारे यहाँ मना के दिखा, बोला नरेंद्र शाह ने, बोले यहाँ नेताजी मैं हूँ बस। टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाने पर रोक लगा दी, हमारे राज्य में नहीं, यहाँ झंडा झुंडा कुछ नहीं चलेगा। टिहरी का अलग झंडा था, टिहरी राज्य में तिरंगा नहीं फहरा सकते आप 47 15 अगस्त को भी, परिपूर्णानंद पैनुली को गिरफ्तार इसीलिए किया, वो तिरंगा झंडा लेके चले गया टिहरी में, आजाद हो गए, बल बोला आजाद हो गए नीचे जा, मुनिक रेती से नीचे आजाद, यानी आजाद ना ऊपर थोड़ी आजाद हुए थे। तो 46 में जब इसने डिमांड करी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे, तो राजा ने कर दिया मना, और वहां से दुश्मन बन गए पितृ शरण रतुड़ी और राजा। अब पितृ शरण रतुड़ी यहां से कहानी सारी शुरू करता है, जैसे अब जनवरी में तो कोई दिवस नहीं मनाया, जैसे ही जुलाई आया 25 जुलाई 1946, इसने कहा ठीक है वो दिवस नहीं मना रहे मत मनाओ, हम मनाएंगे सुमन दिवस। पहली बार सुमन दिवस कब मनाया गया था, 25 जुलाई 1946, और यहां से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। टॉपिक का नाम लिखना टिहरी रियासत का भारत में विलय, भारत में कैसे आ गया, ये तो एक रियासत थी, टिहरी रियासत का भारत में विलय, टिहरी रियासत का भारत में विलय, भारत में कैसे आ गया। चलो पहला पॉइंट लिखना, 25 जुलाई 1946 को, 25 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाया गया, पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाया गया। अब श्रीदेव सुमन का दिवस मनाओगे वहीं का आदमी, उसी जिले में मना रहे हो तो लोग भी आएंगे ना, खूब सारे लोग आ गए, और जब खूब सारे लोग यहां पर आ गए सबको कह दिया उसने पितृ शरण रतुड़ी ने, एक आदमी तुम्हारे चक्कर में मर गया और तुम आंदोलन भी नहीं कर सकते। तो टिहरी में आंदोलन स्टार्ट होने लगे 1946 के बाद, जब आंदोलन बहुत ज्यादा होने लगे राजा को लगा अब मुश्किल है, अब टिहरी में सरवाइव करना मुश्किल है, तो 46 में राजा ने त्यागपत्र दे दिया, मरा नहीं है 46 में नरेंद्र शाह, इसने त्यागपत्र दे दिया, जनता नरेंद्र शाह के खिलाफ हो गई, बोला आप हटो, और इसकी जगह पर राजा कौन आ गया,
ये नाम मात्र का राजा था, डिसीजन अभी भी कौन लेता था, नरेंद्र शाह। इसको ऐसे ही बैठा दिया ना, चल भाई तू बन जा। अब मानवेंद्र शाह राजा बन गया। तो मानवेंद्र शाह के राजा बनते ही टिहरी में आंदोलनों का दौर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब मानवेंद्र शाह राजा बना था ना 46 में, तो हमें बहुत उम्मीद थी मानवेंद्र शाह से कि आदमी कुछ करेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण दिवस आ गया, 15 अगस्त 1947। क्या हो गया इस दिन, अब समझो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। 15 अगस्त 1947 में एक नदी का फर्क है, यह नदी थी अलकनंदा। अगर आप अलकनंदा के इधर खड़े हो, माने श्रीनगर में हो, तो आप आजाद हो, जो मर्जी करो, मौलिक अधिकार, संविधान सब है तुम्हारे पास। और गलती से अलकनंदा के इधर चले गए, आप गुलाम हो गए। इतना सा फर्क था, पौड़ी वाले आजाद, चमोली आजाद। अगर हमारे रिश्तेदार रहते हो पौड़ी में तो वो आजाद, और हम हो गए गुलाम। एक बात जरा ध्यान से समझना, टिहरी अलग चीज है, एक रियासत थी, राज्य था, और भारत एक अलग राज्य था। भारत भी तो राज्य ही है ना एक प्रकार का, संवैधानिक दृष्टि से देखो तो क्या है, राज्य। अब कोई आदमी यहां पर है टिहरी में, और इसकी मौसी रहती इधर श्रीनगर में। अगर मौसी से मिलने जाएगा, कैसे, पासपोर्ट दिखा, कहाँ जा रहा, पासपोर्ट दिखा भाई, भारत सरकार में जा रहा है, भारत अलग है, टिहरी से कोई मतलब नहीं, टिहरी का राजा अलग है। अगर कोई श्रीनगर का आदमी टिहरी में आएगा, रुकेंगे यहाँ पे, रुक भाई कहाँ से आ रहा, बोला घर मौसी के यहाँ जा रहा था, मौसी के यहाँ तो था, पर दिखा भाई कागज दिखा, ये अड़ोस पड़ोस में जाने के लिए ना, कभी गलती से कोई अलग नंद में धक्का मार दे साइड को, गया बॉर्डर से बाहर। वापिस कैसे आए, तो वापिस आते टाइम जब कोई आता था ना टिहरी राज्य में, तो बोलते थे टैक्स दो, टैक्स आने का टैक्स, पौन टोटी वाला टैक्स का नाम था, पौन टोटी। राज्य की सीमा में आते हुए एक टैक्स देना पड़ता था, बाहर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। और ये श्रीनगर, फिर हम पूछते होंगे ना कि पौड़ी वालों को, तुमको भी पड़ता टैक्स, बोलो कैसा टैक्स, हम तो आजाद हो गए ना, झंडा फहरा रहे अपना बढ़िया ढंग से। तब जलन होती ना पड़ोसी से, बोले यार इनका मजा है, अपना यहाँ सिस्टम है नहीं, राजा कुछ अलग ही नियम बना रहा है इधर। तुमने कहा ये नहीं चाहिए भैया, ये राजा रूजा को सबको हटाओ। 15 अगस्त 1947 के बाद अब टिहरी रियासत में लड़ाई होनी स्टार्ट होती है राजा के खिलाफ। राजा के खिलाफ विद्रोह होना जिस जगह से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं सकलाना। देहरादून में माल देवता को क्रॉस करो, उसके ऊपर जो भी क्षेत्र है मसूरी तक का, उसको बोलते हैं सकलाना, है ना, सकलाना क्षेत्र, मतलब सत्यों सकलाना, जितना भी जाओगे उसको सकलाना कहते हैं। तो टिहरी में आता है, यहाँ पे जो माल देवता है ना, उससे आप ऊपर जाओगे तो टिहरी की सीमा स्टार्ट हो जाती है। उसका जो पूरा क्षेत्र है कद्दू खाल मसूरी नीचे पूरा एरिया जो है उसको सकलाना कहते हैं। यहाँ के लोग भड़क गए, इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सी बात है ना कि हम आजाद नहीं हो रहे। इन्होंने खुद को आजाद कर दिया, अपने आप ही बोल भाई जी हम आजाद हैं आज के बाद, और एक बना दिया आजाद पंचायत। आजाद पंचायत का मतलब हमारी ग्राम पंचायत आजाद है, हमारे आके दिखाओ। अगर जनता डिसीजन ले ले तो सरकार थोड़ी रोक सकती है ना, मान लो थोड़ा देर के लिए भारत सरकार वर्सेस जनता लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा, जनता ना। 130 करोड़ पिछली बार थे, कितने पुलिस होंगे टोटल, 10 करोड़ मान लेते ना, पूरे भारत में कितनी पुलिस होगी, 10 करोड़। हम कितने, 120 करोड़। आर्मी भी ले आओ, अड़ोस पड़ोस से भी ले आओ, मान लो 30 करोड़ की फौज होगी हमारी, हम कितने, 100 करोड़। जीतेगा कौन, जनता। अगर जनता विद्रोह कर ले तो सरकार थोड़ी रोक पाएगी जनता को ना। अभी तो बटे हुए ना, मान लो आजकल किसान कर रहे तो किसान ही कर रहे, अगर किसानों के साथ सारे देश में आंदोलन हो गया तो क्या शासन और प्रशासन जनता को रोक सकता है, नहीं। सकलाना वालों ने आजाद पंचायत, इन्होंने कहा हम आजाद है, कोई भी टैक्स लेने आके दिखाए इधर वापिस नहीं जाएगा, राजा का कोई सैनिक हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, हम ना तो राजा को टैक्स देंगे, हम आजाद है, आजादी से रहने लगे। तो सकलाना को देखा देखे अड़ोस पड़ोस वाले, बोले ये बढ़िया है, अपने आप आजाद कर लो अपने आप को। तो सारे के सारे गांव वाले एक करके अपने को आजाद घोषित करने लगे, और ऐसा चलते चलते एक दिन कीर्ति नगर वालों ने भी अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, वहां पर भी एक आजाद पंचायत बनी। ये पॉइंट हम करेंगे ही नहीं अभी, हाँ बाद में, हिस्ट्री का पॉइंट है। पहले एक आजाद पंचायत कभी बन गई थी तिलाड़ी में, उसको फेल कर दिया था, फिर सकलाना में एक आजाद पंचायत बन गई, सकलाना को देखा देखिए कीर्ति नगर में आजाद पंचायत बन गई। अच्छा जब कीर्ति नगर में आजाद पंचायत बनी तो ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है ये वाली। कीर्ति नगर में आजाद पंचायत की स्थापना के साथ ही कीर्ति नगर वालों ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन क्या था, भीड़ इकट्ठी करो, बोल भयंकर 1948 आ गया था अभी तक, और खूब सारी भीड़ के साथ सीधा चलते बोल टिहरी, और टिहरी जाके राजा को बात करते चित्तौड़, खत्म। उधर चलते बोल राजा को मारते, राजा को भगाओ, हो तो गया आजाद, इतना आसान था ना। यहाँ से 4-5 हजार लोग चलते हैं और सीधा चलते टिहरी, राजा भी और उसका पापा भी दोनों को मार देते, खत्म हो गया। और आजाद के लिए कुछ अलग थोड़ी करना है, अगर मानवेंद्र शाह मर गया तो खत्म, हम अपने हाथ में शासन ले लेते, तो इनका प्लानिंग था। अच्छा जब ये इधर आने का प्लान बना रहे थे ना, राजा को पता चल गया, राजा ने किसी ने बता दिया ना कि भाई जी ऐसा ऐसा है, इधर आने का प्लान कर रहे, तो राजा ने अपनी फोर्स वहीं भेज दी, कीर्ति नगर टिहरी में आता था, और राजा की सेना पहुंच गई कीर्ति नगर। और जब राजा की सेना कीर्ति नगर आई तो वहां जो जनता थी और राजा की सेना थी दोनों के बीच झड़प हो गई, और उस झड़प में दो लोग मर गए, इधर वाले आजाद पंचायत के दो लोग मर गए, नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी, ये दो लोगों की डेथ हो गई।
और जब ये दो लोगों की डेथ हो गई तो जनता भड़क गई, अब तो और ज्यादा भड़क गई ना। पहले ही प्लान बना रखा था टीरी जाएंगे, और टीरी जाएंगे उससे पहले एक पॉइंट याद रखना, जब ये राजा बना था ना नरेंद्र शाह, तो राजा बनने के बाद इसने 1925 में अपनी राजधानी बना दी थी नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर पहले राजधानी कहां गई थी? प्रताप नगर। पर कैसी राजधानी थी? मैं इधर फैक्ट लिख लेता हूं, अच्छे से याद रखना। देखो पहला पॉइंट, देखो राजधानी प्रताप नगर, टिहरी की राजधानी जो है प्रताप नगर, कब गई थी? 1877। कैसी राजधानी थी? ग्रीष्मकालीन, मतलब सर्दियों में टिहरी में ही आते थे। फिर आया नरेंद्र शाह, 1925 में इसने राजधानी किधर कर, 24 लिखा होगा कहीं, 23 कहीं, 21 लिखा होगा। 1925 में नरेंद्र शाह ने अपने राज्य की राजधानी कहां बना दी? नरेंद्रनगर। और 1925 के बाद, ये पॉइंट याद रखना, 1925 के बाद की राजधानी नरेंद्रनगर थी, ये परमानेंट वाली थी, ग्रीष्मकालीन नहीं थी, ये परमानेंट राजधानी बना दी थी नरेंद्रनगर, टिहरी की राजधानी। अब टिहरी में कुछ नहीं था, ऐसे ही राजा रहता है वो बात अलग है, टिहरी की ये तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्या नरेंद्रनगर भी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? ना भैया, ये तो परमानेंट राजधानी थी। और 1925 के बाद टिहरी की राजधानी कहां थी? नरेंद्र नगर ही थी। कब तक थी? 1989 तक थी, अब भी कुछ पहले, राज्य 10-11 साल पहले तक, 1989 तक टिहरी जिले का मुख्यालय नरेंद्र नगर था, याद रखना इस पॉइंट को। जैसे चमोली का मुख्यालय पहले कहां था? चमोली। बाढ़ आ गई बाद में कहां ले आए? गोपेश्वर। ऐसे ही टिहरी जिले का मुख्यालय पहले कहां था? नरेंद्र नगर। 1989 में टिहरी जिले का मुख्यालय नरेंद्र नगर से शिफ्ट कर करके और तब ले गए टिहरी। टिहरी टिहरी का मुख्यालय नहीं था, टिहरी टिहरी का मुख्यालय 1989 में बना, क्योंकि राजा नरेंद्र शाह ने 1925 में, 1925 में राजधानी कहां ले गए थे? नरेंद्र नगर। ठीक, ये फैक्ट याद रखना। नरेंद्र नगर को टिहरी रियासत की राजधानी कब बनाया गया? आंसर होगा 1925 में। टिहरी जिले का मुख्यालय नरेंद्र नगर से टिहरी कब बनाया गया? चलो वापस फिलहाल कहानी पे आ जाओ। तो यहां से ये लोगों के दो आदमी मर गए, इधर कीर्ति नगर वालों के, नागेंद्र सकलानी, भोलू भरदारी। तब ये लोग और गुस्सा आ गए ना इनको। अब इन्होंने प्लान बनाया कि जाना तो टिहरी है, 4-5 हजार आदमी लगभग इनके इकट्ठे हो गए थे, और प्लान इनका ये था, भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, जाएंगे तो टिहरी भैया, कुछ भी हो जाए, ये जो दो हमारे पास है ना डेड बॉडी, इनका अंतिम संस्कार भी यहीं करेंगे, बल टिहरी में, इनको बल यहाँ ना, इनको उधर ही लेके चलो, ताकि जब रास्ते में जाएंगे ना डेड बॉडी लेके, तो लोग पूछेंगे कहाँ जा रहा भाई, तो पूरी कथा लगाएंगे उस पर, तो वो भी आएगा हमारे साथ, जन समर्थन मिलेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। बोले दो ये और दो ये, चार को फूंक देंगे, बोले उधर ही ना प्लानिंग बना रहे थे, उधर चलते नरेंद्र शाह मान में इधर था। ये भीड़ जब टिहरी की तरफ आ रही थी ना, तो उधर राजा को पता चल गया, बोले उधर से तो भीड़ आ रही, तो राजा बैठा गाड़ी में और राजा निकल गया नरेंद्र नगर, दोनों उधर चले गए, और भीड़ पहुंच गई टिहरी, भीड़ वहां राजा को भगाने के लिए आई थी, राजा पहले ही भाग गया, तो भीड़ तो आएगी आएगी ना। उधर आए, दोनों का अंतिम संस्कार किया, और अब टिहरी में एक गुस्साई हुई भीड़ थी, एक ऐसी भीड़ जिसको गुस्सा आया हुआ था, सेनापति यही नहीं, राजा गायब है ना, जिसको मारना था वो तो गायब हो गए, बाकी बच गए राजा के कर्मचारी, तो कर्मचारी भी समय की मोहलत देखता है ना, उसने कहा हम भी तुम्हारे साथ है भाई, कौन मार खा रहा है इनकी ना, 4-5 हजार, बोलो तो ऐसे ही आदमी था, इनके साइड आ गए सारे के सारे। तब टिहरी में भीड़ ही भीड़, पूरा का पूरा। अब तुम्हें पता होगा भारतीय संविधान के आने से पहले, देश की आजादी से पहले, माउंटबेटन एक प्लान भारत में लेकर के आ गया था, अपनी योजना लेकर के आ गया था, और माउंटबेटन ने कहा था जो भी भारतीय राजा है उनकी मर्जी है, चाहे भारत में रहो, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे आजाद रहो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे जो मर्जी रहो। टिहरी के राजा ने कहा था मैं आजाद रहूंगा, लेकिन माउंटबेटन योजना में एक बात और भी कह दी, यदि भारतीय अधिकार क्षेत्र के किसी राजा के यहाँ कोई पंगा होता है, भारत जितना भारत हिस्सा है ना, और हमारे अंडर आने वाला कोई भी राज्य है, उस राज्य में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी देश की सरकार वहां का डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करेगी। उदाहरण के लिए जैसे टिहरी है, तो टिहरी कहाँ आता था? भारत में, पाकिस्तान में, आजाद था लेकिन आता कहाँ था? भारत में आता था। तो यहां अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका डिसीजन भी कौन लेगा? भारत सरकार लेगी। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं कि उसको भारत में मिला दो, वो भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा, इस बात का डिसीजन वहां की प्रजा लेगी, इलेक्शन के बाद डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन हस्तक्षेप भारतीय सरकार कर सकती है। ऐसी पाकिस्तान में किसी राज्य के साथ ऐसा हो जाए तो कौन जाएगा वहां? पाकिस्तान। और ये सारी की सारी भीड़ टिहरी में आ गई, राजा इनको मिला नहीं, अब क्या करें? अब ये हो हल्ला चलते रहते हैं ना, जब कभी भी किसी आंदोलन में नेतृत्व की कमी होती है, तुम 1857 की क्रांति पढ़ते, 57 की क्रांति के विफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? नेता नहीं था,
कोई एक नेता हो जाए ना, नेता का सशक्त होना जरूरी है। 57 में मेरठ में भड़क गई क्रांति, है ना, 10 मई के दिन। तो 10 मई 1857 को जब क्रांति स्टार्ट हुई तो श्याम पूरे मेरठ से अंग्रेजों को सफाया कर दिया था। वो जो छावनी वाले थे ना, जो आर्मी वाले थे, एक एक को काट काट के निपटा दिया। आदमी बोलने बोला अंग्रेज माने गोरा दिख जाए काट दो सीधा, पट्टापट से मारने लगे। और 4-5 बजे तक मेरठ जो है ना वो अंग्रेजों से मुक्त हो गया। मेरठ भाग गए, कोई अंग्रेज नैनीताल आ गए, कोई आगरा भागे, कोई कहीं भागे, मेरठ में अंग्रेजी नहीं मिला इनको, ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिला। और अब 5 बजे लगी कथा, अब क्या करें रे भाई, बस अंग्रेज तो निपट गए, अब क्या करें। तो किसी ने कहा भाई जी मैं पौड़ी कहूंगा, पौड़ी चलते, पौड़ी वाले अंग्रेजों को मारते ना। कोई कह रहा ना भाई जी देहरादून चलते, कोई बोला बिहार चलते, और नेता ही नहीं था कोई, नेतृत्व की कमी थी। कुछ इधर भागे, कुछ इधर भागे, जो बचे खुचे थे वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में राजा वो बूढ़ा था ना उस टाइम, बहादुर शाह जफर, उसने मना कर दिया, मैं तो जा ही नहीं रहा, अपने वो आते तलवार ही नहीं चलाई कभी जीवन में, मैं कहाँ जाऊँ युद्ध करने, ना अपना सेनापति लिया। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, भीड़ आ तो गई है टिहरी में, लेकिन अब इस भीड़ का नेतृत्व कौन करे। ये तिथि याद रखना, 15 जनवरी 1948 थी। 15 जनवरी 1948 को ये कीर्तिनगर वाले सीधा पहुंच गए टिहरी में, राजा कुमार ने, राजा भाग गया नरेंद्र नगर। अब टिहरी से नरेंद्र नगर कैसे आए ना, पूरा दिन लगेगा वहां तक जाने में। तो इधर ही हो हल्ला कर रहे थे, और किसी ने 1948 का मतलब समझ रहे हो, देश आजाद हो चुका है 15 अगस्त को, तो किसी ने फोन फान कर दिया, राजा ने घुमाया बोला फोन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, भाई मार देंगे मुझे, कुछ कर भाई, है ना, उधर माउंटबेटन योजना उधर लिखा हुआ है, हमारी सुरक्षा का जिम्मा आपका, देखो भाई कुछ। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम कर लेंगे अपने हिसाब से, आप टेंशन मत लो। तब जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, तुरंत भेजेंगे अपनी आर्मी, पुलिस नहीं, टिहरी की पुलिस, जो आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस होगी वो टिहरी में कुछ नहीं कर सकती। अगर उत्तराखंड में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या यूपी की पुलिस आएगी क्या, नहीं, सीधा आर्मी आएगी। तो 15 जनवरी 1948 को जब यहाँ विवाद हुआ तो भारत सरकार ने क्या भेज दी, अपनी पूरी की पूरी सेना भेज दी। और सेना भेजने का मतलब है अब शांति व्यवस्था कौन बनाएगा, लिख लो पॉइंट, 15 जनवरी 1948 टिहरी रियासत में सैन्य कानून लागू हुआ, पहला उत्तराखंड राज्य का पहला मार्शल लॉ है, उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले मार्शल लॉ यही लगा, उसके बाद कहीं नहीं लगा आज तक, कहीं लगा ही नहीं सैन्य कानून, एक ही जगह लगा था टिहरी में। 15 जनवरी 1948 को टिहरी रियासत में सैन्य कानून लागू कर दिया गया। कुछ भी लिखो, सैन्य कानून लिख लो, मार्शल लॉ लिख लो, धारा 144 लिख लो, आर्मी का शासन लिख लो, जो भी, मतलब पूरा का पूरा चार्ज किसके हाथ में आ गया, सेना के हाथ में। तो सेना के आने का मतलब है, सेना तो आती भी धूम धड़ाके से ना, पुलिस की तरह डंडा लेके नहीं आती, बंदूक लेके, चलो भैया निकलो अपना अपना घर ना, जितने भी लोग वहां पे थे ना, देख लेंगे डिसीजन बाद में सरकार ले लेगी, हमने शांति व्यवस्था बनानी है। तो 15 जनवरी 1948 को जैसे ही सेना आई तब सेना शांति व्यवस्था स्थापित कर देगी, लोग घर चले जाएंगे, बंदूक मारूंगा बोला। और भारतीय संविधान अभी रनिंग वाली कंडीशन में थी, वहां अभी लिखा जा रहा था संविधान, तो अभी आर्टिकल 33-34 सारे लिख रखे थे वहां पर, है ना। अगर सैन्य कानून कहीं पर लागू हो और आर्मी किसी आदमी को गोली मार दे, बाद में न्यायालय नहीं जा सकते कि गोली क्यों मार दी, मौलिक अधिकार छीन लिया, बोले बाद में उसको भी कानून बना देंगे। सैन्य कानून लागू होता है किसी क्षेत्र में तो सेना की विधि ही लागू होती है, मतलब सेना के ही नियम चलते हैं। उदाहरण के लिए समझो, मान लो यहाँ पर हो आप उत्तराखंड में, आप कोई आंदोलन करते हो तो आपको रोकने के लिए हमेशा कौन आती है, पुलिस। तो एक नियम बना रखा ना, जब कोई व्यक्ति आंदोलन करे तो अगर भगदड़ मचाए तो क्या करो, डंडा मारो। गोली भी चली कभी तुम पे फॉरेस्ट गार्ड के आंदोलन में, अगर पुलिस तुम पे गोली मार दो कल को तुम हाईकोर्ट चले जाओ, भाई जी पागल हो क्या, आंदोलन करना तो मेरा अधिकार है, मैं आंदोलन कर रहा था, पुलिस ने कैसे गोली चला दी, नहीं चला सकते ना गोली। लेकिन अगर यहाँ आर्मी रूल है तो आर्मी रूल में तुमने बोलो मार के दिखा, बोलो सच में मार देगा, आर्मी वाला सीधा मार देगा, क्यों, क्योंकि उनका कानून ये कहता है। तो जब कहीं सैन्य कानून लगता है तो वहां का प्रशासन सैन्य विधि चलता है, आर्मी रूल के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा प्रशासन चलता है। तो सैन्य कानून लागू हो गया, सैन्य कानून लागू होने के बाद टिहरी में सब चुपचाप। अब एक तरफ था प्रजामंडल, कौन लड़ रहा था प्रजा के लिए, ये लड़ रहा था प्रजा के लिए, दूसरी तरफ था राजा, और राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। यहाँ आ गई सेना, सेना कहाँ की है, कहाँ की सेना आई, भारत, भारत की सेना, दोनों के बीच में आ गई भारत सरकार, बोला बात करो आपस में सरकार। ये तो नियम ही नहीं था ना कहीं कि भारत सरकार, कहीं लड़ाई हो जाए तो फिर भारत सरकार का होगा, ऐसा नहीं। अब मध्यस्थता करने भारत सरकार आ गई, इनसे पूछा, इधर तो बहुत सारे लोग थे 4-5 हजार लोग, इनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, 4-5 आदमी भेजो अपने। तो प्रजामंडल का अध्यक्ष इस समय होता था दादा दौलत राम, नाम सुना था, दौलत राम जो है एक कृषक नेता था, ये अध्यक्ष था, और इसका उपाध्यक्ष था परिपूर्णानंद पैनुली, परिपूर्णानंद पैनुली टिहरी रियासत का बागी नेता,
ये दोनों लोगों को बुला दिया, दो चार और भी, सुंदर लाल बोगुणा और छुटकन फुटकन सब आ जाओ, चार पांच आदमी, एक डेलीगेशन बुला दिया प्रजामंडल का, और इधर से राजा को बुला दिया। 15 तारीख को तो सैन्य कानून लग गया, 16-17 तारीख को मीटिंग करवा दी, बीच में भारत सरकार है ना, यहां से गृह मंत्री कौन था इस समय, वल्लभ भाई पटेल, चारा था कहां हो ऐसे मुद्दे ना, ताकि भारत को हम अखंड भारत बनाते रहे। तब भारत सरकार आ गई तो उन्होंने पूछ लिया प्रजामंडल से, मानवेंद्र शाह से, क्या चाहते हो भाई, है ना। मानवेंद्र शाह ने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हम जो प्रजामंडल चाहते हम भी वही चाहते हैं, प्रजामंडल की जो भी मांग है मैं सभी मांग को मानने के लिए राजी हूं, मेरा राज्य मुझे वापिस दे दो, ये कह दिया मानवेंद्र शाह ने। उत्तरदायी शासन हम दे देंगे, पौन टोटी हम हटाएंगे, जो चाहिए सब दे देंगे, मेरा मुकुट है वही छूटा हुआ टीरी में, है ना, मुकुट पहन रहा, कल से मैं राजा बन रहा अपना, मानवेंद्र शाह ने ये कह दिया। अब भारत सरकार ने पूछा हाँ भाई कोई दिक्कत, इसने कहा हाँ दिक्कत है, प्रजामंडल यहाँ पे मना कर दिया, बोला हमको नहीं चाहिए उत्तरदायी शासन, हमको न उत्तरदायी चाहिए न पौन टोटी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे साथ आना है, ये बोल दिया बस। भाई जी हमें ये आदमी नहीं चाहिए, हमें आपके साथ आना है, भारत सरकार के साथ, और मध्यस्थता करने वाला कौन है, और तुम उसी का पक्ष ले रहे हो, तो मनी मन तो बोला था ना वेरी गुड, ऐसा ही तो चाह रहे थे हम, लेकिन संवैधानिक प्रावधान थे, ऐसा कर नहीं सकते थे ना कि आजा हमारे साथ। तो उसने कहा भैया ऐसा है, हमारे साथ आना चाहे राजा के पास जाना, जिधर भी जाना है इस बात का फैसला आप ही करोगे, टिहरी की जनता ही फैसला करेगी कि टिहरी कहाँ जाएगा, राजतंत्र के साथ या प्रजातंत्र के साथ, इसके लिए आपके राज्य में होंगे इलेक्शन, राज्य में, टिहरी क्या था, राज्य में, तो टिहरी में इलेक्शन होंगे, उनको बोलेंगे टिहरी विधानसभा चुनाव, हमारे राज्य का पहला चुनाव है टिहरी विधानसभा चुनाव, ये पहली बार सुन रहे ना, बोले कैसा चुनाव कभी हुआ ही नहीं था टिहरी में चुनाव, जो पौड़ी का आदमी है, जो चमोली का आदमी है, उसने चुनाव देख लिए थे 1919 के बाद, 23 के कौंसिल चुनाव, 26 के कौंसिल चुनाव, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब देख रखा था, इधर कभी चुनाव हुए नहीं थे। फिर इनको समझाया तुम्हारा एक राज्य है, इसमें बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र बनेंगे, जैसे आज बनते ना, हर जगह से एक विधायक चुना जाएगा, और वो सारे के सारे विधायक, जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे वो अपना एक मुख्यमंत्री चुनेगा, उसको बोलेंगे प्रधानमंत्री, वो टिहरी का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर उसकी एक मंत्रिपरिषद बनेगी, सरकार बनेगी टिहरी की, और वो सरकार डिसाइड करेगी कि कहाँ जाना है आपको, इधर या उधर। तो इन्होंने कहा तो भयंकर चीज नहीं लगी इनको, बोले भाई जी ऐसा नहीं, शॉर्टकट मना ना, ये ऐसा चाह रहे थे अभी हो जाए इधर, बोले ऐसा नहीं होगा भाई, अभी आपके राज्य में चुनाव होंगे, और अभी भारत सरकार बिजी है कश्मीर डिस्प्यूट में, अभी हम बिजी, अभी चुनाव भी नहीं करा सकते, चुनाव ऐसे हलवा थोड़ी खाना, कल करा दो चुनाव, चुनाव होंगे अगस्त में, अभी क्या लगा हुआ जनवरी, अगस्त 1948 आपके यहाँ चुनाव होंगे, और बोला तब तक, तो तब तक जब तक चुनाव नहीं होते हैं किसी राज्य में, तब तक किसी भी राज्य में कैसी सरकार बनाते, अंतरिम सरकार, जैसे उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, चुनाव नहीं हुआ, 2002 में हुआ, तो कैसी सरकार बनाई, अंतरिम, इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, नेक्स्ट डेट पे आओ 16 फरवरी 1948 टिहरी रियासत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। टिहरी रियासत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, 16 फरवरी 1948 को, 16 फरवरी 1948 टिहरी रियासत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस बीच क्या चल रहा था, 15 तारीख एक महीना सैन्य कानून, आर्मी रूल लगा हुआ, धारा 144, और 16 फरवरी 1948 को क्या बन गया, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार जैसे हमारी उत्तराखंड में बनी थी, तो अंतरिम सरकार में क्या करते, हम आते ही सबसे पहले एक मुख्यमंत्री बना देते हैं, है ना, जैसे हमने बनाया नित्यानंद स्वामी, चल भाई तू ऐसे ही बना दिया, मतलब किसी एक को बोल दिया तू बन जा। तो जब अंतरिम सरकार 16 फरवरी 1948 को बनी, और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान के लागू होने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर कहते थे। तो जब 16 फरवरी 1948 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो टिहरी रियासत में प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया दादा दौलत राम को। टिहरी रियासत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन था, तो दादा दौलत राम था। 16 फरवरी 1948 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, और अंतरिम सरकार में टिहरी रियासत में प्रधानमंत्री किसे बना दिया गया, दादा दौलत राम को बना दिया, दादा दौलत राम। टिहरी रियासत में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, दादा दौलत राम। तो दौलत राम प्रधानमंत्री बन गए, दौलत राम सोचा भी नहीं था कभी प्रधानमंत्री, दो दो प्रधानमंत्री थे आप हमारे, एक भारत का था और एक इधर टिहरी का था प्रधानमंत्री, है ना। तो दौलत राम भी थोड़ा खुश तो रहेगा नहीं, चलो अगस्त तक ही सही, पर मजा तो है अगस्त तक, प्राइम मिनिस्टर बन गया टिहरी रियासत में। सारे निर्णय, किसी को कोई दिक्कत हो जाए इस बीच में, जनवरी से, फरवरी से लेकर अगस्त तक, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, सबका डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, दौलत राम। इसके साथ चार मंत्री और थे, वो टिहरी रियासत में पढ़ लेंगे। तो प्रधानमंत्री बन गया दादा दौलत राम। चलो जी यहाँ से कहानी चलने लगी। अब अगस्त का महीना आया,
अब अगस्त 1948 में चुनाव हुए टिहरी में, क्या लिखोगे? टिहरी विधानसभा चुनाव। टिहरी में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तब आप कहेंगे टिहरी रियासत में प्रथम विधानसभा चुनाव अगस्त 1948 में, यहां इलेक्शन होना था। राजा की पार्टी एक साइड और प्रजामंडल एक साइड, ठीक। टिहरी राज्य का चुनाव, टिहरी रियासत में विधानसभा चुनाव 1948 अगस्त में। चलो जी, जैसे हमारे होते ना बीजेपी कांग्रेस ये वो सो, यहां लड़ने वाली पहली पार्टी थी प्रजामंडल, प्रजामंडल ये चुनाव लड़ रहा था। दूसरी थी प्रजा हितेशिणी सभा, ये राजा की पार्टी थी, प्रजा हितेशिणी सभा। और लोकल तो रहते ही है ना, निर्दलीय, कई उठ गए, मैं भी बन रहा विधायक, विधायक है ना, सब लोग आ गए, हम भी बन रहे विधायक। क्योंकि ये पक्का नहीं है कि आप भारत में जाओगे, पक्का नहीं है। अगर गलती से प्रजा हितेशिणी सभा जीत गई तो वो कहेंगे हमें राजा चाहिए, फिर राजा आ जाएगा, खत्म। भारतीय संविधान में व्यवस्था करी गई थी कि किसी भी राज्य में अगर राजा से किसी को दिक्कत है तो डिसीजन जनमत के द्वारा लिया जाएगा। जो कश्मीर है ना, कश्मीर, कश्मीर के लिए भी यही रूल है। कश्मीर के लिए नियम क्या है? कश्मीर के लिए नियम ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का, ये बात का डिसीजन कश्मीर की जनता लेगी। और जनता के द्वारा ये जो वोटिंग होती है ना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में जनमत। जन मतलब जनता और मतलब चुनना, जनता चुनेगी। कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है जनमत? क्योंकि कश्मीर के लिए यूएनओ ने एक कंडीशन रखी है। कश्मीर में जैसे ही जम्मू कश्मीर की तुम्हें कहानी पता होगी ना, जम्मू कश्मीर के अंदर एक राजा था, उसका नाम था हरी सिंह। वो तो रात को सो गया, और जब रात को सो गया तो उधर पाकिस्तान से कुछ लोग आए और उसके राज्य पर कब्जा करने लगे। तो वो जो हरी सिंह था, लास्ट मोमेंट पर, ऐसा कहते हैं कि हरी सिंह वो व्यक्ति था जो रात को सोते समय पाकिस्तान में था और सुबह उठते समय भारत में मिला, है ना। रात को सोया 12-1 बजे भारत में, और फोन कर दिया था वल्लभ भाई पटेल को, भाई जी बचा सकते हो तो बचाओ। और अपने नौकर को कह दिया था एक बंदूक दे के, ये बंदूक है, अगर सुबह तक भारत की सेना यहाँ पहुंच जाए तो ठीक, नहीं तो मुझे गोली मार देना। क्योंकि बिल्कुल बारामूला तक जो है ना पाकिस्तान की आर्मी पहुंच चुकी थी, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर सोया हुआ था राजा, बारामूला तक पहुंच गई थी। तो बोला नेक्स्ट स्टेशन इनका कश्मीर है, इन्होंने कल सुबह 10-11 बजे तक यहाँ आ जाना है। मैंने फोन कर दिया है दिल्ली में उनको, मैंने बोल दिया है भाई जी आओ मुझे बचाओ, अगर आ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं गोली मार देना भाई, है ना। ये सारी बातें चल रही थी। तो वो आर्मी आई और भारत उधर से तो चाह ही रहे थे ना वल्लभ भाई पटेल। जैसे ही फोन आया, अरे बोला अरे क्या पहुंच गए हम, तो तुरंत सुबह 4 बजे ही पहुंच गए उधर। और 4 बजे बारामूला पर इधर से भारतीय सेना, उधर से पाकिस्तान की सेना, एक जगह पर, पर्टिकुलर वो जगह, जैसे यहां तक पाकिस्तान आ गया था और यहां पर इंडिया, बिल्कुल यहां आ गए। चलो भाई लड़ाई शुरू, लड़ाई चली कुछ दिन तक, और फिर यूएनओ ने बीच में आके सीज फायर करवा दिया। ये लाइन ही तो है एलओसी, वो रेखा जहां तक पाकिस्तान उस समय पहुंच गया था, उसको नाम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यूएनओ के पास बार बार मुद्दा गया, यूएनओ क्या बोल रहा है वर्तमान में? यूएनओ कहता है जो पहले आया वो पहले वापस जाएगा। पहले कौन आया? पहले वापस जाओ, फिर उसके बाद दूसरा जो आया वो वापिस जाओ, तब होगा वोट जनमत, और उसके बाद डिसाइड होगा कश्मीर कहां जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है मतलब भारत पाकिस्तान या आजाद, वो चाहे तो आजाद रह सकता है। तो ये जाते नहीं वापिस, जब ये जाते नहीं तो ये क्यों जाएंगे ना, ये भी नहीं जाते, वो वापिस जाते नहीं, ये वापिस आते नहीं, जनमत हो नहीं रहा, इतना साल हो गया, कभी केंद्र शासित बनाओ, ये बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने सेना पीछे कर दी, भारत को सेना पीछे करनी ही पड़ेगी, कंडीशन है वापिस करनी पड़ेगी, और उस दिन जनमत होगा। यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं, यहाँ जनमत हो गया जल्दी से। अब जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। टिहरी विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या 30 थी और 30 में से प्रजामंडल को मिल गई 23, इसको मिल गई 5, एक कोई अन्य ले आया। किसकी सरकार बनी? प्रजामंडल की सरकार बनी, प्रजामंडल की, जीत गया प्रजामंडल। अब जब प्रजामंडल के पास 23 सीटें थी तो प्रजामंडल डिसाइड करेगा ना कहाँ जाना है, और प्रजामंडल क्या चाह रहा था, कहाँ जाए? भारत के साथ जाए। अब भारत के साथ आने में इनको ज्यादा दिक्कत थी नहीं। अब एक और विवाद, विवाद नंबर 2, ये था उस समय का टिहरी। उत्तरकाशी भी टिहरी में ही आता था। टिहरी यानी उत्तरकाशी की इधर क्या है? हिमाचल प्रदेश, और नीचे क्या है? उत्तर प्रदेश। अब बोला भारत में आना है हमने, इन्होंने बोल दिया, प्रजामंडल जैसी जीता तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा भाई जी हमें भारत का हिस्सा बनना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है भारत का हिस्सा बनना है, किधर जा रहे? इधर या इधर? इधर भी तो जा सकते हैं, आप चाहो तो हिमाचल प्रदेश जाओ और आप चाहो तो उत्तर प्रदेश आओ। अब यहाँ विभाजन हो गया प्रजामंडल का। प्रजामंडल के कुछ सदस्य चाहते थे हम हिमाचल का हिस्सा बन जाए, कुछ सदस्य चाहते थे हम यूपी का हिस्सा बन जाए। हमारा सबसे बड़ा नेता गोविंद वल्लभ पंत उस समय यूपी का सीएम था,
तो वो तो चाह ही रहा था कि यहाँ आ जाए यूपी में। तो एक लंबी चौड़ी कहानी, बाद में कर लेंगे उसको। और इन सारी कहानियों के बाद जब ये डिसाइड कर दिया प्रजामंडल ने, प्रजामंडल डिसाइड कर दिया, बोले भाई कहाँ जा रहे? बोले भाई जी हमें जाना है उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के साथ, ठीक, भारत संघ का हम हिस्सा बनेंगे, हमें यूपी में जाना है। तो फिर सरकार ने कहा चलो ठीक है आ जाओ। भारत सरकार अब टिहरी रियासत को अपने पास जोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अंकल है अभी यहाँ मानवेंद्र शाह, है ना, ऐसे थोड़ी जोड़ दोगे, ये शहर बनाया किसने, ले जोड़ लो जो, जमीन जोड़ लो, यहाँ जो मकान बने किसने बनाया, सुदर्शन साहब, भवानी साहब, मजाक थोड़ी कर रहे थे, ये शहर पहले धुनार बस्ती, आज इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, किसने बनाई, हमने बनाई, मजाक थोड़ी चल रहा, हमारी चीज को तुम ले जा लो ना, ये मार्कर मेरा है, सरकार छीन सकती मेरे से। बोले हमारा तुम्हारे देश में बना रहा, भाई तुम्हारे देश पर है तो मेरा ना, कभी सरकार ने बोला लाओ फोन जमा करो, फोन जमा जमा थोड़ी कर सकते ना भाई, चीज मेरी रखना है रख लो, मोदी जी रख लो मार्कर, 20 रुपया दे दो मेरे को, मैंने 20 रुपये का ले रखा है, 20 रुपये दे दो, यही कंडीशन है। मानवेंद्र शाह रख लो, अब जब यहाँ वाले चाह रहे कि भारत में आना है तो रख लो, रुपया लाओ रुपया, पैसा इस शहर का, ये शहर भी तो बसाया, मेरे बाप दादाओं ने बसाया वो शहर है, ऐसा थोड़ी कि भारत में मिलाओ, कल को बोलो चीन में मिलाओ, हमारे मकान का पैसा, इस जमीन का पैसा, इतने बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डिंग बना रखे हैं, हमने अभी अभी बोला 1925 में तो महल बनाया नरेंद्र नगर का, और तुम बोल रहे हमको दे दो, ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर भारत सरकार का एक एग्रीमेंट राजाओं के साथ, हर राजा के साथ था, और वो एग्रीमेंट कभी पॉलिटी में बात करेंगे, मानवेंद्र शाह को कह दिया टिहरी के प्रधान आप ही रहोगे, टिहरी हालांकि भारत का हिस्सा बन गया लेकिन टिहरी राज्य का प्रधान हमेशा आप ही रहोगे, आपके जो पुत्र हैं वही रहोगे, सामाजिक पद्धतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आपकी सामाजिक पद्धतियां है ना, जैसे बद्रीनाथ का दिया यही जलाते तो आज भी कौन जलाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का गाडू घड़ी की यात्रा अगर नरेंद्र नगर से चलेगी तो वही, बाकी भाई साहब ऐसा है जो आपकी बिल्डिंग है ना उसका किराया देंगे हम, जैसे नरेंद्र नगर में आनंदा होटल है, तो आनंदा होटल है किसका, राजाओं का है, तो सरकार ने लीज पे ले रखा है 10 साल के लिए, 3 लाख रुपया की महीना पेंशन लगाई इसकी मानवेंद्र शाह की, तू बैठा रहे दिल्ली में और तुझे प्रीवी पर्स दे रहे हैं 3 लाख रुपया साल का फ्री में दे रहे हैं, वो बाद में इंदिरा गांधी ने कैंसिल कर दिया, इंदिरा गांधी ने कहा राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म, कोई पेंशन नहीं, उनको पेंशन मिलती थी, सब खत्म कर दिया, ठीक। तो पैसा तो आज भी है, टिहरी भारत की जो सरकार है ना आज भी टिहरी रियासत के राजाओं को सैलरी पे करती है, रेंट पे करती है, आनंदा होटल ये मत समझना कभी आनंदा ग्रुप का है, आनंदा ग्रुप जैसे हमने ले रखा किराए पे है राजा का, राजा को किराया मिलता है तब तो ये थोड़ा ठाट बाट से रहते, नहीं पैसा कहाँ से आएगा। अभी मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत से कमलेंदुमती शाह के बाद बना सांसद, और जब सांसद बना ना तो सांसद बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने कहा मानवेंद्र शाह हम आपको भारत के अंदर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा देना चाहते, इन्हें कहा पागल है क्या, राजा है मंत्री थोड़ी बनेंगे, कभी नहीं बनते मंत्री, टिहरी का लोकसभा वाला ना कभी मंत्री नहीं बनता है, राजा माला राज्य लक्ष्मी शाह ये मंत्री पद नहीं धारण करते हैं, इनका अपना एटीट्यूड है भाई, मंत्री थोड़ी बनेंगे, बोला आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री राजा है हम, हमारे होते थे प्रधानमंत्री, है ना, हम थोड़ी प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी देखा, कभी भी इतिहास देख लो 1952 से लेके आज तक का, 1952 से आज तक टिहरी रियासत में लोकसभा सांसद कभी मंत्री नहीं बना, अपना ही है उनका, तनख्वाह मिल रही, पैसा मिल रहा, सब कुछ है ना। बद्रीनाथ मंदिर में बाई चांस अगर तुम चले गए कभी ऐसी घूमने, और बाई चांस बद्रीनाथ मंदिर में 2000 का नोट पड़ा हुआ है बिल्कुल मूर्ति के नीचे, और पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, उठा लोगे मूर्ति के नीचे, या किसी ने सोने का छतर चढ़ा रखा, उठा लोगे, नहीं ना, क्यों नहीं उठाएंगे, डर लगेगा ना, भगवान श्राप ना दे, ये उठा लेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, बोला ना बद्री मई तू, बोला बद्रीनाथ जाओ उठाओ जेब में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो रेवेन्यू बद्रीनाथ के अंदर आएगा उस रेवेन्यू में से सारी चीजें, कल को अगर आपको बद्रीनाथ का मंदिर परिवर्तित करना है, मूर्ति कहीं और ले जानी है, किसी में हिम्मत नहीं उठा दे, ये उठाएगा, मतलब ये मतलब अब इनके जो वंशज है ना मनुजेंद्र और जो बाकी के लोग हैं, तो ये बोला ना बद्री। तो देखो सामाजिक पद्धतियां चेंज नहीं होगी, डिटेल वहां बात कर लेंगे, सामाजिक पद्धतियां वही रहेंगी, जो आपकी बिल्डिंग है उनका आपको रेंट मिलता रहेगा, 57 लाख रुपया नगद दे दिए भारत सरकार ने, ऐसे ही थोड़ी टिहरी आया, मजाक थोड़ी है भारत बनाना है ना, ऐसा थोड़ी कि भारत बनाए तो ऐसे ही बन गया, 57 लाख रुपए मानवेंद्र शाह को दे दिए, ये तो पैसा अभी पकड़, 3 लाख रुपए हर साल मिलेगा, यहाँ का किराया हर बार आते रहेगा, टिहरी का राज प्रधान आप ही रहोगे, यहाँ का राज प्रमुख आप ही रहोगे, तो भला हो इंदिरा गांधी का ही खत्म कर दिया तो तब, नहीं तो आज भी हम लिखते टिहरी जिले का, टिहरी और उत्तरकाशी जिले का राज प्रमुख यही होता। सारा लड़ाई झगड़ा फिनिश करने के बाद फाइनली 1 अगस्त 1949 को टिहरी को कहाँ मिला दिया, उत्तर प्रदेश का जिला बना दिया, 50वां जिला, उत्तर प्रदेश का 50वां जिला, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को
1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल का भारत संघ में विलय कर दिया गया। टिहरी गढ़वाल का भारत संघ में विलय कर दिया गया और तब से टिहरी किसका हिस्सा है? इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है टिहरी गढ़वाल। प्रश्न टिहरी रियासत के इतिहास से बैलेंस्ड आते हैं अभी तक, ठीक ठाक, हल्के हल्के हल्के। जिस दिन कठिन पूछेगा तो सबसे बेहतरीन इतिहास यहीं पर रहता है, प्रामाणिक है सबसे बड़ी बात। इसके अलावा वाला इतिहास प्रामाणिक नहीं। जैसे आप चंद पंवार पढ़ रहे हैं ना, तो चंद पंवार पता नहीं था जयपाल या नहीं था, हमें नहीं पता, पर ये तो थे ना, साक्षात थे, बोलांदा बद्री सारे थे, ये तो हमने देखा भी मानवेंद्र सा, है ना, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो टिहरी रियासत में जब टिहरी जिला पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज इतिहास ही रहेगा, प्रशासन और बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना। बाकी ये हिस्ट्री है हमारे पास 7-8 दिन का इतिहास, वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां करेंगे, कल इसका प्रशासन और ज्योग्राफी कल करते हैं।